हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मन ठाकुर एंड वेलकम बैक टू मिशन फैशन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है बॉडी पार्ट की कटिंग के लिए। उसके बाद मेजर करेंगे इसको, लगभग 16 इंचेस की लेंथ मुझे लेनी है। उसके बाद इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और 60 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से इक्वल करके कपड़े को हम। उसके बाद हम तीरे के लिए मार्क करेंगे, तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 6.5, और नीचे भी 1/2 इंच पे, और यहाँ से भी 6.5 इंच पे इस साइड को, और यहाँ से भी 6.5 इंच में कंधे के लिए लूँगी। उसके बाद यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट हम लेंगे, यहाँ पे 10.5 इंच पे मैं ले रही हूँ ये, और फिर यहाँ से 15 इंच पे मैं मार्क करूँगी वेस्ट के लिए या कमर के लिए। फिर यहाँ से कमर का भी हम 1/4 या 1/4 लेंगे, इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से 2 इंच पे सेम हम सेम मेजरमेंट पे करेंगे मार्क, और यहाँ से 1 इंच नीचे सेम मेजरमेंट पे करेंगे, और 1 इंच ऊपर भी। यहाँ से हम इन निशान को मिला देंगे इस तरह से। यहाँ साइड से 2-2 इंच की हम मार्जिन रख लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमारी कटिंग वाली लाइन होगी इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ी सी हल्की राउंड शेप देते हुए हम इसको इस तरह से मिला देंगे निशान को। यहाँ पे हम 6.5 इंच है तो 3/4 इंच पे इसका सेंटर पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे इस तरह से, 1 इंच पे यहाँ पे मार्किंग पे मिला देंगे लाइन, और राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला साइड हो जाएगी, और बैक साइड के लिए हम यहाँ से राउंड शेप देंगे। जो 1/2 इंच वाली मार्किंग है उसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। पे ध्यान रखना है कि जो बाहर वाली लाइन है उस पर हमें कटिंग पहले करनी है, फ्रंट वाली पे नहीं कर देनी है पहले। फिर इस तरह से यहाँ को जो बीच वाला कपड़ा है उसको साइड में कर लेंगे, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। हम फ्रंट बॉडी पार्ट के गले के लिए कटिंग करेंगे, तो 2.5 इंच पे इसको मैं मार्क करूँगी यहाँ पे, और यहाँ से 6.5 या 7.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं कम या ज़्यादा। फिर साइड को भी 2.5 इंच यहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी, और एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके यहाँ से, और राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे, और गले की कटिंग कर लेंगे। और अब हम काटेंगे इसके लिए पट्टी। तो इसके लिए कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो हमने गले का कपड़ा बीच वाला है कटिंग वाला वो लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, और इसको मार्क कर लेंगे इसके साइड साइड में। और इसी कपड़े की मार्किंग से हम गले के लिए पट्टी तैयार कर लेंगे इस तरह काट के। लगभग 1.5 इंच चौड़ी हम पट्टी ये काट लेंगे यहाँ से इस तरह से। इसको गले पे सेट करके रखेंगे इस तरह से, पिन की मदद से इसको हम अटैच कर लेंगे, और इस पर सिलाई लगाएंगे बाद में सिलने के वक्त हम। दोनों साइड के नेक को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। उसके बाद बारी है बॉडी अम्ब्रेला पार्ट की, सॉरी। तो उसको इस तरह से कपड़े को लंबाई में मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद एक तरफ से हम कोना उठाएंगे इस कपड़े का इस तरह से, और यहाँ पे हम सेट करके कोन शेप बना लेंगे इसकी। इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। उसके बाद बॉडी पार्ट लेंगे, और उसकी बंद वाली साइड, इसके कोने वाली बंद वाली साइड को रखेंगे, और जितनी भी हमारी कमर की सिलाई वाली मार्किंग उससे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। और यहाँ से जितना आपका बॉडी पार्ट है ना, बॉडी पार्ट वाला मेज जो है उतना इंच हम ऊपर की ओर खिसकाएंगे, और नीचे आपको जितनी भी लेंथ चाहिए इसकी रेडी उतने पे हम मार्क कर लेंगे। इस पर उतने इंच पर हम मार्क करते जाएंगे इक्वल लेंथ लेते हुए इसकी तरह से। यहाँ से भी हम मार्किंग को सीधा कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
इसके बाद हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग जो है हो गई। उसके बाद बचती हैं बाजू। बाजू की कटिंग के लिए इस तरह से मैंने कपड़े को डबल करके फोल्ड कर लिया है, और जितनी भी आपको रेडी लेंथ इसमें चाहिए है, सबसे पहले फोल्डिंग और सिलाई का मार्जिन रखते हुए लेंथ को रख लेंगे। मैं 21 इंच के करीब इसकी लेंथ रख रही हूँ। लगभग 8 इंच मुझको रेडी चाहिए। ये इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी 21 लेंथ के लिए। उसके बाद यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी मोरी चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। यहाँ पर यहाँ से लगभग 9 इंच के करीब मैंने यहाँ चौड़ाई ली है इसकी। स्केल की हेल्प से इसको मैं शेप दे दूँगी, और यहाँ से इस तरह से इसको फ्री हैंड मिला दूँगी मैं। और यहाँ से इसको अंदर वाली बाजू की कटिंग के लिए भी मार्क कर देंगे और कटिंग कर देंगे बाजू की। जो अंदर की ओर है वो 1/2 इंच मैंने लिया है गोलाई के लिए इसकी। इस तरह से बाजू की कटिंग जो है वो लगभग हो गई है। तो ये थी हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।